स्टूडेंट टुडे आई एम डिस्कसिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का वन ऑफ अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल मेथड। इस मेथड की क्वालिटी ये है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप इसकी ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके होते हैं जब आप डिस्काउंटेड पे बैक मैथड पर काम करते हैं या आप नेट प्रेजेंट वैल्यू पे काम करते हैं या जब आप IRR पे काम करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि उसको आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में रिस्पॉन्स करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए आपने इस फॉर्मूले पर रिलाय करना होता। और जैसे कि आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं कि दिस फॉर्मूला इज वेरी इजी। फॉर्मूला इज डिमांडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है इस वाले पार्ट के ऊपर आप ऑलरेडी काम कर चुके जब आपने प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोस की निकाली। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस निकालना अभी तक नहीं सीखा है तो इसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी आपको मिल जाएंगे, पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक मैथड से भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर लें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कैलकुलेट कर लेता है और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उसे मालूम होता है तो फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को अप्लाई कर सकता है। मैं यह अजम्पशन ले रहा हूँ कि कंपनी के पास कोई 5 प्रोजेक्ट्स हैं और इन 5 प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोस गिवन थे। आपने उन तमाम कैश फ्लोस को डिस्काउंट करने के बाद उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली या ये प्रेजेंट वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसके अलावा आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि आपने इनमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, यानी प्रोजेक्ट ए में जो इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 30,000, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 25,000। तो अगर आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने में इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का अमाउंट लेना और उसको आपने डिवाइड कर देना इन्वेस्टमेंट से। सिमिलर अप्रोच यू विल अप्लाई जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट्स गिवन हो 1, 2 या उससे ज़्यादा। जो डिसीजन क्राइटेरिया है दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपके पास आंसर 1 और ग्रेटर आ रहा है तो प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट कर लेना, और लेस देन 1 अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो आपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना। इसी क्राइटेरिया के ऊपर आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को मीट करना। तो देखते हैं, जो फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर आ रहा है वो 1.2 है तो इसका मतलब हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड 1.9 है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड 1.2 है तो ये भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस 1 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 0.933 है और ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं ये तमाम प्रोजेक्ट्स देने के बाद आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो कौन सा होगा, तो स्टूडेंट अगर तो वैसे आपने सिलेक्ट करना है तो आप ये भी सिलेक्ट करेंगे, आप ये भी एक्सेप्ट करेंगे और आप ये भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं ये वाला ऑप्शन हटा दूँ और आपसे कहूँ किसी एक प्रोजेक्ट को पिन पॉइंट करें तो फिर स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा आपके पास हाई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू आ रही होगी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कवर हो जाएगा और उससे पहले आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना जरूर सीखना है। या तो क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज गिवन होना चाहिए और अगर ये गिवन नहीं है तो फिर पहले आपको मालूम हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो किसी प्रोजेक्ट की कैसे निकालते हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए आपने सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है। वैल्यू अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, और अगर वैल्यू 1 से कम है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।